बच्चिया बिना पता नहीं कहाँ रह गया, कब से गए, अभी तक नहीं है। आ गया बाबूजी, आ गया बबीता जी को लेके आ गया बाबूजी। बबीता बेटी तुम आ गई तो अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई। सॉरी चाचा जी, मुझे जरा लेट हो गया आने में। नहीं कोई बात बाबूजी, लेकिन आपको पता है लेट क्यों हुआ? क्यों? हमारे मेहमान को आम रस खिलाना चाहती है, इसलिए मार्केट में आम लेने गए थे। बोलो। ओ, अरे वाह। वो क्या है ना चाचा जी, मैंने सोचा आम का सीजन है तो गेस्ट को आम रस खिलाऊंगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा ना। नहीं बराबर, अच्छा किया। क्या क्या सोचा है बबीता जी आपने, वाह जबरदस्त, मजा आ गया। नहीं बापू जी। वैसे बबीता बेटा, मेहमान से ज्यादा आम रस खाने का मजा जेठिया को आने वाला है ना जेठिया? नहीं मुझे पसंद है, आम तो बहुत पसंद है। वैसे बबीता बेटा जी, 8:30 बजे मेहमान आ जाएंगे तो तब तक खाना बन जाएगा ना? हाँ चाचा जी, मैं अभी फटाफट खाना बना देती हूँ, एवरीथिंग विल बी डन, डोंट वरी। सॉरी बबीता जी, आपको हमारी वजह से इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, सॉरी। नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है जेठा जी। वैसे पापा, आपको पता चला कि रात को कौन गेस्ट आने वाले हैं? अरे नहीं बेटा, नहीं पता चला। आज पूरा दिन इतनी कोशिश की पता लगाने की, लेकिन नहीं पता चला तो नहीं ही पता चला। अभी खैर वो लोग खाना खाने आएंगे तब पता चल जाएगा हमारे अनजान मेहमान है कौन। ओके चलिए, तो मैं फटाफट खाना बनाना शुरू करती हूँ। हाँ बबीता जी, आपने जो जो सब्जी मंगाई थी ना वो सब मैं लेके आया, वो देखे वहाँ टेबल पे पड़ी है। ओके परफेक्ट, सो लेट्स स्टार्ट देन। बबीता आंटी, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। टपो नहीं, मैं मदद करता हूँ ना बबीता जी की, तू रहने दे। पापा हम अभी अभी दुकान से आए हैं, थक गए होंगे, मैं हेल्प करता हूँ ना बबीता आंटी की। बेटा तेरी एग्जाम नजदीक आ रही है तो पढ़ाई में ध्यान दे। हम बेटा ये सब तो होता रहेगा, इसमें तेरी जरूरत नहीं है, मैं मदद कर रहा हूँ ना बबीता जी की, तो पढ़ाई में ध्यान दे। हम अरे मैं तो कहती हूँ आप लोगों में से किसी को मदद करने की जरूरत नहीं है, आई विल डू इट, इट्स ओके। अरे नहीं नहीं बबीता जी, ऐसे कैसे? आप हमारे मेहमान के लिए खाना बनाए और हम यहाँ सोफे पे पैर पे पैर चढ़ा के ऐसे बैठे रहे, अच्छा थोड़ी लगता है, हैं बापू जी? नहीं बराबर, चलो मैं भी आता हूँ मदद करने। अरे नहीं नहीं बापू जी, बापू जी आप अगर मदद करने आए तो पूरा समाज मुझ पे थू थू करेगा। एक बेटा ने अपने बाप से रसोई बनवाई, मैं अपना चेहरा आईने में देख नहीं पाऊंगा बापू जी। नहीं कुछ भी हो जाए, मैं आपको रसोड़े में पैर भी नहीं रखने दूंगा। नहीं हाँ भाई, ठीक है ठीक है, जा। आइए बबीता जी, आइए। अरे अरे अरे, आप अरे नहीं 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 बिल्कुल नहीं, आप चलिए, आप चलिए। आइए 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 बबीता जी, हमारे किचन में आपका स्वागत है। बात है जेठा जी, आप लोगों ने तो किचन बहुत स्पिक एंड स्पैन रखा है, मतलब बहुत साफ सुथरा रखा है। दया भी नहीं है, उसके बावजूद भी किचन को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया है आप लोगों ने। वो दया नहीं है इसीलिए साफ सुथरा है। क्या इधर चाय बनती है ना, और कुछ बनता नहीं है। आइए आइए बबीता जी, आइए बोलिए, सबसे पहले क्या बनना है? मैं सबसे पहले दाल और चावल बना लेती हूँ। ओके, कुकर कहाँ पे? कुकर मैं आपको देता हूँ, उसके पहले आप ये क्या है, ये पहनिए। क्या? अरे एप्रन। हाँ, आपका टाइम तो खराब हो ही रहा है, कम से कम आपके कपड़े तो खराब ना हो। जी, मेरा टाइम बिल्कुल खराब नहीं हो रहा है। चलिए आप मुझे कुकर दे दीजिए। हाँ कुकर। हाँ भरी गर्मी में सबसे ज्यादा ठंडक एसी ही देता है, और उससे कहीं ज्यादा ठंडक इस वक्त जेठालाल महसूस कर रहे हैं। मेहमान आए ना आए, लेकिन बबीता जी के साथ भोजन बनाने का अनमोल मौका जो मिला है। सुबह से टेंशन में थे जेठा, लेकिन टेंशन उड़न छू हो गया इस वक्त। बड़े मजे में, आनंद में, मन में खुशियों के लड्डू फूट रहे, क्योंकि लुत्फ उठा रहे हैं जेठालाल भोजन पकाने का बबीता जी के साथ। अब सवाल बहुत सारे हैं कि ये भोजन पूरा बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, और ये जो मेहमान आ रहे हैं उन्हें भोजन पसंद आएगा या नहीं आएगा, अब ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि जेठालाल की जिंदगी में मजे बहुत देर टिकते नहीं है। उनकी जिंदगी में ये जो मजे की जो चीज है ना, वो बिल्कुल शेयर बाजार की तरह कब गिर जाए पता नहीं चलता। तो अब देखना यह है कि ये मजे कितनी देर तक रहते हैं, और आने वाले मेहमान को खाना पसंद आता है या नहीं। ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए।